महादेव को सर्वस्तन दुर्गम है, जहाँ हमें शिव तत्वानुभूति आत्मसत होती है। पंच केदार पंच कैलाश इनमें विशेष है। श्रीखंड महादेव ये पंच कैलाश का विभाज्य अंग है। मणिमहेश कैलाश, किन्नर कैलाश, श्रीखंड कैलाश, आदि कैलाश एवं कैलाश। यह यात्रा हमारी इंद्रिय दृष्टि शनै शनै अभ्यंतर कर हमें शिव तत्व की असीम ऊर्जा में विलीन कर देती है। यह पांच कैलाश यात्रा अत्यंत दुर्गम है। आधुनिक समय इनमें से तीन कैलाशों की भेंट अब शनै शनै सुलभ हो रही है, किंतु वर्तमान में एवं भविष्य तक बहुतांश काल श्रीखंड कैलाश यात्रा ये पांच कैलाशों में निर्विवाद कठिनतम रहेगी। इसी कारण यह यात्रा विलंब करना यह केवल महादेव की इच्छा स्वरूप ही हो सकता है। अनुमानतः 18,000 फीट पर स्थित इस 70 फीट शिव तत्व रूपी शिला का यात्रा मार्ग अत्यंत जटिल है। अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इस यात्रा की समय अवधि न्यूनतम है, अनुमानतः 15 से 20 दिवस। प्रायः यह यात्रा श्रद्धालु जुलाई अगस्त माह में अवलंब करते हैं। यह यात्रा गुरु पूर्णिमा को आरंभ हो 20 दिवस उपरांत समाप्त हो जाती है। इस उपरांत महादेव के दर्शन का मार्ग लुप्त होने लगता है। सितंबर अंत अक्टूबर माह तक इस क्षेत्र में अत्यधिक हिम वर्षा एवं तीव्र वायु का चलन होता है। यात्रा समय भी इस क्षेत्र में बहुत समय वातावरण प्रतिकूल ही होता है। यह यात्रा हम दो स्थानों से अवलंब कर सकते हैं, जाओ ग्राम जो निर्माण क्षेत्र में स्थित है एवं अरसो ग्राम। जाओ का मार्ग प्रचलित है एवं इस मार्ग पर आपको विश्राम एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध है। मैंने यह यात्रा सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में अवलंब की। प्रायः इस वर्ष मैंने श्रीखंड महादेव भेंट की कोई योजना नहीं की थी। मेरी हिमालय भेंट प्रायः अक्टूबर माह में होती है, जहां मेरा मुख्य उद्देश्य होता है आयुर्वेद की औषधि के खोज एवं प्रयोजन। इसी कारण मैंने इस वर्ष सितंबर अक्टूबर माह अनुसार किन्नर कैलाश अथवा मणिमहेश कैलाश की यात्रा का विचार किया। जैसे मेरे यात्रा दिवस निकट आ रहे थे, मुझे मेरे सहयोगी एवं गाइड राजकुमार जी ने सूचित किया कि हम किन्नर कैलाश नहीं जा पाएंगे। इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा हो रही थी एवं वहां कुछ ट्रेकर्स का निधन हो गया था। इस कारण वहां के अधिकारी एवं लोकल्स किसी भी यात्री के प्रवेश का विरोध कर रहे थे। मणिमय क्षेत्र में भी अत्यधिक वर्षा हो रही थी एवं वहां भी यात्रा करना उचित नहीं था। राजकुमार जी ने कहा कि क्यों ना हम श्रीखंड की यात्रा करें एवं उस उपरांत यदि अनुकूल परिस्थिति रही तो किन्नर का विचार कर सकते हैं। ये उचित भी लग रहा था क्योंकि श्रीखंड महादेव एवं किन्नर कैलाश ये एक ही क्षेत्र में स्थित है एवं मणिमहेश विरुद्ध दिशा में। मेरा श्रीखंड महादेव यात्रा का आंशिक विचार भी नहीं था, किंतु महादेव का आदेश समझ मैंने स्वीकार कर लिया। प्रतिवर्ष हिमाचल यात्रा समान इस वर्ष भी मैंने धर्मशाला एयरपोर्ट से रेंटल स्कूटर का आयोजन किया था। यहाँ मैं मिनी राइड रेंटल के ओनर करुण जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो मुझे प्रतिवर्ष लेटेस्ट स्कूटर्स देते हैं। 9 समय सुबह मैंने अपनी यात्रा धर्मशाला एयरपोर्ट से जाओ ग्राम प्रति आरंभ की। 320 किलोमीटर की यह यात्रा मुझे 2 दिवसों में गमन करनी थी। यदि आप मेरे इस स्कूटर की यात्रा दृष्ट करना चाहते हैं तो मैंने उसे अपने द्वितीय चैनल लेंस ऑन अर्थ पे डॉक्टर ऑन स्कूटर इस श्रृंखला के अधीन प्रकाशित की है। उनकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में यूज कर रहा हूँ। रेड अलर्ट के चलते मुझे 2 दिवस जाओ ग्राम तक के मार्ग में अत्यधिक वर्षा का अनुभव हुआ। मेरा जाओ ग्राम आगमन मध्यान्ह के 2:45 समय हुआ। राजकुमार जी उनके सहयोगी लाल सिंह सर मेरी यहाँ 3 घंटों से प्रतीक्षा कर रहे थे। वे दोनों भी बेजना से यात्रा कर यहाँ आए थे। जैसे मैंने अनुमोदित किया था कि श्रीखंड महादेव यात्रा मार्ग का क्रमण हम तीनों प्रथम ही कर रहे थे, दुर्भाग्यवश हमें यहाँ भी कोई गाइड अथवा पोर्टर की सुविधा नहीं प्राप्त हो सकी। हार्वेस्ट सीजन चल रहा था एवं रेड अलर्ट के कारण कोई भी यात्रा पे आने के लिए एवं हमें जाने के लिए अनुमति नहीं दे रहा था। महादेव का चिंतन कर हमने यह यात्रा अब स्वयं ही करने का निर्णय लिया। मेरे अमेरिका से सीधा हिमाचल में प्रवेश हुआ था। जेटलैग तीव्रता एवं 2 दिवस अत्यंत प्रतिकूल वातावरण में स्कूटर चलाने से मन शांत भी था। इस व्यतिरिक्त जाओ आगमन हेतु आज संपूर्ण दिवस भोजन भी नहीं किया था। मेरा प्राय विचार था कि आज मैं जाओ ग्राम विश्राम करूंगा एवं अगली प्रातः अपना ट्रैक सामान आयोजित कर यात्रा मार्ग पर गमित हो जाऊंगा। दर्शकों को ये सूचित करना चाहता हूँ कि जाओ ग्राम में एक बेसिक होटल है। इस व्यतिरिक्त आप यहाँ होमस्टे कर सकते हैं। मैं कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में यूज कर रहा हूँ। रेड अलर्ट एवं डिस्मल वेदर फोरकास्ट के कारण राजकुमार जी ने मुझसे याचना की कि हमें यात्रा त्वरित आरंभ करनी चाहिए। मध्यान्ह के 3 बजे थे एवं सूर्य प्रकाश हमें 6:30 तक प्राप्त था। इतने समय में हम जितना मार्ग क्रमण कर सके उतना हमें यात्रा में सुसह्य होगा।
हमारे पास टेंट थे एवं भोजन की सामग्री। मैंने इसे महादेव का संकेत माना एवं अपना सामान वही पार्किंग एरिया में विभाजित कर लिया। अतिरिक्त सामान हमने एक टी स्टॉल में रख दिया। 3:45 समय हम यात्रा मार्ग पर क्रमित थे। फाइनली शिखर महादेव की यात्रा आरंभ कर रहा हूँ। 3:30 बजे, बहुत ज्यादा नहीं जा पाऊंगा, ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर करके आया हूँ स्कूटर पे। देखते हैं अभी महादेव की कृपा, अभी थोड़ी बारिश हो रही है। जाओ ग्राम, यह माता कात्यानी का स्थान है। यहाँ आपको हिमाचल पद्धति के प्राचीन हेरिटेज होम्स दृष्ट होते हैं एवं इनके मध्यस्थ आंशिक रूप में आधुनिकरण के प्रभाव। हमारा आज लक्ष्य था थाशुड़ नामक स्थान के निकट पहुंचना, जो जाओ ग्राम से 10 से 12 किलोमीटर पर स्थित है। बारिश बहुत हो रही है, आई डोंट नो हाउ मच फार वी विल बी एबल टू गो, बट वी आर ट्राइंग। और सामान एक्सचेंज करने में बहुत सा समय निकल गया, बिकॉज आई वाज हैड नॉट सेग्रीगेटेड माय स्टफ, सो आई टू डू इट ऑन द रोड पार्किंग द स्कूटर। सो इज द फर्स्ट टाइम आई डूइंग लाइक दिस, जस्ट पार्किंग द स्कूटर एंड गोइंग। यहाँ पे यात्रा खत्म होगी, ये तो पोर्टस नहीं मिल रहे सामान लेके जाने को, सो डिस्ट्रीब्यूट करके लेके जाना पड़ रहा है। इट्स 4:14, रेनिंग हैवीली, एंड आई डोंट नो वेयर आई गोइंग टू कैंप टुडे, आई विल वॉक टिल द लाइट इज देयर। जाओ ग्राम से प्रथम स्थल है बराटे नाला, जो अनुमानतः 6 किलोमीटर पे स्थित है। यह मार्ग लघु आरोहण अवरोहण का है, जो कुरपान नामक एक नदी धारा के समीप से क्रमित होता है। कुरपान एक रिवुलेट अथवा लघु धारा है, जिसका उगम स्वयं श्रीकर्ण महादेव से है, किंतु वर्षा के कारण यह एक भयंकर नदी समान प्रतीत होती है। मैं बैठू श्रीकर्ण महादेव और बहुत सा 1 घंटे का सफर कर चुका हूँ। लगभग 3-4 किलोमीटर उपरांत आपका आगमन सिंहगढ़ नामक स्थान पे होता है। यहाँ कई ट्रेकर अपना पहला कैंप भी करते हैं। सिंहगढ़ से 2-3 किलोमीटर उपरांत आपका बराटे नाला आगमन होता है। जैसे ही स्थान का नाम है, यहाँ कुरपान नदी धारा का हिमालय के शिखरों से आगमन होता है। इस नाले को हम एक पुल द्वारा क्रॉस करते हैं। बराटे नाला में एक लंगर या धर्मशाला है, जहाँ यात्री के निवास एवं भोजन की सुविधा है। कहीं यात्री यहाँ भी निवास करते हैं। यहाँ से मार्ग अब अत्यंत जटिल आरोहण का है। 8 से 9 किलोमीटर का यह आरोहण आपको 2,300 मीटर से काली टॉप ले जाता है, जो अनुमानतः 4,000 मीटर पर स्थित है। बराटे नाला मेरा आगमन अनुमानतः 5:30 समय हुआ। सूर्य देवता अभी भी किंचित प्रसन्न थे। हमने आरोहण का निर्णय लिया। इस मार्ग में आपको कई स्थानों पर कैंपिंग ग्राउंड अथवा टेंट्स दृष्ट होते हैं, जो संभवतः यात्रा समय प्रस्तापित किए हो। कहीं टेंट्स में आपको ब्लैंकेट्स एवं गैस सिलेंडर्स भी दृष्ट होते हैं। इट्स ऑलमोस्ट 5:30 ना, और बहुत चढ़ाई करके आ गया हूँ। ये देख रहे हैं, जैसे मेरा टी शर्ट पूरा वेट हो गया है। ये बारिश की वजह से नहीं है, दिस इज बिकॉज ऑफ स्वेट। ये देसी ककड़ी है यहाँ की, इट्स वेरी हाइड्रेटिंग। सो द मोमेंट यू फील डिहाइड्रेटेड, इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग इलेक्ट्रोलाइट एंड यू गेट दिस, हिट दिस इंस्टेंट पावर। अब देख रहे हैं यहाँ से और कितना ऊपर जा सकते हैं। So as close we get today, the better for us tomorrow. 1 घंटा कठिन निरंतर आरोहण उपरांत शनै शनै सूर्य प्रकाश विलीन हो रहा था। मुझे अब जेट लैग एवं स्कूटर यात्रा के प्रभाव क्रैम्स द्वारा अनुभूत हो रहे थे। इस व्यतिरिक्त मैं निराहार यात्रा कर रहा था। मन में विचार आया कि अब थमना उचित है, क्योंकि यदि मुझे कोई मसल इंजरी हो जाती तो गमन करना असंभव था। 15 मिनट उपरांत हमारे एक स्थान पे आगमन हुआ, जहाँ टेंट प्रस्थापित करने की व्यवस्था थी। मैंने राजकुमार जी से याचना की कि हम आज यही विश्राम करते हैं। टेंटिंग की जगह सुलभ थी, किंतु राजकुमार जी ने कहा कि यहाँ जल की व्यवस्था नहीं है एवं जल बिना भोजन बनाना असंभव था। हमारे पास पेयजल भी निम्न था। मैंने उनसे कहा कि वे अपने साथ लाए खाद्य सामान पर निर्वाह करें। मुझे शुदा अनुभूति नहीं हो रही, मैं केवल विश्राम करना चाहता हूँ। वर्षा का कोप भी बढ़ रहा था। हमने टेंट प्रस्थापित किया, मैं त्वरित शयन कर गया। गुड मॉर्निंग, Day 2। आई एम एट हम एलिवेशन एट 2,800 मीटर्स, मुझे जगह का नाम मालूम नहीं। तो यहाँ पे 6:30 बजे आए और हमें ट्री लाइन के ऊपर जाना था, बट मेरे हैमस्ट्रिंग जवाब दे रहे थे। यहाँ पे पानी का सोर्स नहीं था, जो बचा हुआ पानी था उसमें ही हमें निर्वाह करना पड़ा। शिखर महादेव की यात्रा खत्म हो चुकी है, लेकिन रूट्स आर वेल मार्क्ड। सो अगर आप यहाँ पे आए तो आपको टेंट्स पिचिंग के लिए बहुत से जगहें मिल जाएंगी, बट बी श्योर दैट यू नो वाटर सोर्सेज, बिकॉज अगर आप फॉरेस्ट में घूम भी जाते हो तो भी ठीक है, अगर आपके पास वाटर सोर्स नहीं है देन सर्वाइवल विल बी डिफिकल्ट। As you can see, the weather is heavy. It rained all night, and I don't know how the weather would be up ahead. हमें तो आगे का ट्रेल भी नहीं मालूम है कि कितना दूरी पे जाना है, because राजकुमार जी मैं और हमारे साथ जी सहयोगी आए हैं। We both are from not from this region. Of course, I am from Mumbai, but they are not from this region. I don't know if I'll be able to shoot this vlog the way I want, but whatever I can, I'll present it to you. क्योंकि जैसे महादेव की कृपा है, वैसे ही यहाँ पे चलना पड़ता है। And these are the hardships you have to face when you go on the trails of Mahadev. अगली प्रातः 9 समय हम यात्रा मार्ग पर क्रमित थे।
आज का हमारा लक्ष्य था पार्वती बाग, जो लगभग 15 से 16 किलोमीटर के अंतर पर था। यात्रा दीर्घ थी, वर्षा संपूर्ण रात्रि से अब तक हो रही थी एवं अब उस विषय विचार करना व्यर्थ था। शिवजी का चिंतन कर मैं आरोहण करने लगा। मार्ग में कुछ यात्री मिले जो पार्वती बाग से आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ऊपर वातावरण अनुकूल नहीं है। उनके सह कुछ यात्री 2-3 दिवसों से पार्वती बाग में ही हैं। वे शिखर के अंतिम आरोहण नहीं कर पा रहे, मार्ग लक्षण है, इसी कारण वे अब लौट रहे हैं। यह सुन मन में किंचित शंका निर्माण हुई कि क्या यह यात्रा मुझे अवलंब करनी चाहिए, किंतु मैंने महादेव का चिंतन कर इस विचार को मेरे शांत शरीर से उत्पन्न एक आभासी ग्राह्य कर मार्ग पर क्रमण करने लगा। तो अभी ऑलमोस्ट 3000 मीटर तक आ गया हूँ। अभी मैंने यहाँ पे बालू के 3 बच्चे देखे, अच्छा था, मान नहीं थी, लेकिन व्हेन यू आर वॉकिंग अलोन इन द फॉरेस्ट ऑलवेज ऑन द टर्न्स यू कैन गेट एनकाउंटर विद अ बेयर, सो वेरी केयरफुल एंड कीप ऑन मेकिंग नॉइजेस। आपको जो दिख रही है नदी, वहाँ से हम चढ़ के आए हैं 1.5 दिन में, एंड आई डोंट नो हाउ मच फार वी हैव टू गो। जैसे आप देख रहे हैं, ये यात्रियों ने किया हुआ कचरा है, टूरिस्ट का नहीं है। यहाँ यात्रा होती है 2 महीने तक, तो ये पूरे प्लास्टिक कूड़ा यहाँ पे दिखेगा। आई होप द गवर्नमेंट डज समथिंग एंड कीप दिस एरिया क्लीन। यहाँ पे बेयर्स होते हैं, मैंने अभी देखे थे, दे फीड ऑन दिस एंड दे विल कम टू ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड दिस इज नॉट अ गुड साइन। 2 घंटे उपरांत हमारा ताशुड़ा आगमन हुआ, जो 3500 मीटर पर स्थित है। यहाँ मुझे 5 से 6 टेंट्स टेस्ट हुए, जिनमें ब्लैंकेट्स एवं भोजन बनाने की संपूर्ण सुविधा थी। निरंतर वर्षा के कारण यहाँ हमने कुछ समय विश्राम करने का निर्णय लिया। ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर आया हूँ मैं ऊपर अपने कैंप से। वहाँ पे कुछ 2600 मीटर्स था, नाउ ऑलमोस्ट 3400 मीटर्स। इट्स अ मेकशिफ्ट टेंट, लोग यहाँ पे आते हैं, यात्रियों के लिए सुविधा बनाई रखी है। यहाँ पे सब टेंट्स और ब्लैंकेट्स लगे हुए हैं। द बिगेस्ट चैलेंज इज दिस रेन, इट्स रिलेंटलेस। डोंट लाइक द रेन्स, ओवरकास्ट आई लव, बट नेवर द रेन्स। पर महादेव की इच्छा है कि हम बारिश में चलें। राजकुमार जी एवं लाल सिंह जी ने भोजन की व्यवस्था की, मेरे सर्व वस्त्र भीग गए थे। मैंने टेंट में उन्हें उतार दिए एवं ब्लैंकेट में जा शयन कर गया। शुद्धा अनुभव नहीं हो रहे थे। 12:30 समय हम पुनः यात्रा मार्ग पे थे। ऑलमोस्ट एट 3600 meters, but that's the wonders of Mahadeva. Finally, about the tree lines, this is a new terrain now. Hopefully the rains will hit hard. Parvati Bagh tak jana hai, 4-5 hours of trek, steep climb. So hame kadu mili hai 3600 meters pe. Ye dekhiye, bahut chhota sa pauda hai. Yahan se 3 kilometer ke kathin aaron uparant hamara Kali Top aagman hua. Ya anumantah 4000 meter pe sthit hai. Is sthan se yadi aakash nirmal ho to hame Himalay ke manohar drishya ka labh hota hai. हमारे आगमन समय भी दृश्यमोहक थे। मैंने यहाँ कुछ ड्रोन शॉट्स लेने का विचार किया, किंतु वातावरण की चंचलता देख हमने मार्गक्रमण करना ही उचित समझा। यहाँ से हमें पार्वती बाग दृष्ट हो रही थी एवं हमारे मार्ग दीर्घता का क्या। काली टॉप से पार्वती बाग का मार्ग यह अत्यंत जटिल है। हमें 5-6 लघु शिखरों का क्रमण करना होता है। प्रति एक समय आपको अनुमानतः 300 से 500 मीटर अवरोहण कर पुनः आरोहण करना पड़ता है। ये मार्ग में हमें वाटरफॉल्स का अत्यंत सावधानी पूर्वक क्रमण करना पड़ता है। सो दिस इज वेरी टफ बिकॉज यू हैव टू क्रॉस एटलीस्ट 3 वैलीज। वहां से 3600 से 3500 आते हो अगेन टू 3700, नाउ अगेन आई एम गोइंग डाउन। किंतु इस मार्ग में अनुमानतः प्रति 2-3 किलोमीटर उपरांत आपको कैंपिंग की व्यवस्था प्राप्त होती है, जहाँ बहुतांश यात्री अपनी यात्रा सुविधा अनुसार निवास करते हैं। काली टॉप से भीम तलाई, कुंचा, इन स्थानों का क्रमण कर हमारा संध्या 4 समय भीम द्वार आगमन हुआ, जो पार्वती बाग से अनुमानतः 2 किलोमीटर पूर्व स्थित है। यह संपूर्ण क्षेत्र वास्तविकता में पार्वती बाग ही है। इस क्षेत्र की सुंदरता शब्दों में वर्णन नहीं की जा सकती। मोहक वाटरफॉल्स, ग्रीन मेडोज एवं हिमालय के हिम शिखर, ये संपूर्ण दृश्य स्वर्ग ही हो सकते हैं। यदि आकाश निर्मल हो तो यहाँ से आपको शिखंड के प्रथम दर्शन होते हैं। इस क्षेत्र से अग्रतः आपको ब्रह्म कमल प्रचुर मात्रा में दृष्ट होते हैं।
ऐसी मान्यता है कि शिव जी जो शिखंड में तपस्या कर रहे थे उनको प्रसन्न करने हेतु माता पार्वती ने यह 18,000 वर्षों तक प्रतीक्षा की। उनका यह विरह एवं एकांत के प्रतिक्रिया स्वरूप यह असंख्य ब्रह्म कमल का उगम हुआ, जिन्हें पार्वती जी का प्रिय माना जाता है। यह ब्रह्म कमल यात्रियों को भी इसी पद्धति से अंतिम 3,000 फीट के आरोहण में प्रफुल्लित करते हैं। भीम द्वार की इस आवास में टेंटिंग की सुविधा है। इन टेंट्स में भोजन बनाने की भी व्यवस्था है, किंतु हमने यहाँ से 2 किलोमीटर आरोहण कर पार्वती बाग में निवास का निर्णय लिया। फाइनली रीचिंग पार्वती बाग, 2 किलोमीटर स्टिल अप, अ स्टीप क्लाइंब, 4:45 इन द इवनिंग, आई गॉट बैडली एनी स्ट्रेंथ लेफ्ट। भीम द्वार से पार्वती बाग का मार्ग एक विशाल वाटरफॉल को पार कर उपरांत आरंभ होता है। 2 किलोमीटर का यह जटिल आरोहण हमें अंततः पार्वती बाग के शिखर पर गमित करता है, जो 4,200 मीटर पर स्थित है। यहाँ मेरा आगमन संध्या 5 समय हुआ। यहाँ 2 टेंट्स थे, जिनमें से 1 टेंट में कुछ यात्री निवास कर रहे थे। हमने द्वितीय टेंट में प्रवेश किया। यहाँ भी ब्लैंकेट्स की सुविधा थी, किंतु भोजन बनाने की नहीं। मेरे वस्त्र संपूर्णता भीग गए थे एवं मैं यात्रा से अत्यंत शांत था। शुद्धा का विचार भी नहीं आ रहा था। मैंने सर्व वस्त्र उतार दिए एवं स्लीपिंग बैग और ब्लैंकेट ले शयन कर गया। कुछ 2 घंटे उपरांत मैंने राजकुमार जी को किसी से वार्तालाप करते श्रवण किया। सामने के टेंट से एक यात्री भेंट दे रहे थे। कह रहे थे कि वे प्रतिवर्ष शिखंड यात्रा करते हैं, किंतु इतना प्रतिकूल वातावरण कभी अनुभूत नहीं किया। वे पार्वती बाग में 4 दिवसों से है, इस आशा में कि महादेव के दर्शन हो। आज उनकी अंतिम रात्रि थी, यदि कल उनको अवसर नहीं मिला तो वे लौट जाएंगे। प्रतिकूल वातावरण, भीगे वस्त्र, निराहार एवं अत्यंत शांत शरीर, इन सब घटकों के कारण मेरे मन में अब यह विचार आ रहा था कि क्या मेरी यह यात्रा संभव होगी। महादेव कोई परीक्षा ही ले रहे होंगे। विचलित मन से मैं पुनः शयन कर गया। अंधकार में मुझे केवल वर्षा के उन तीव्र तुषारों का श्रवण हो रहा था, जो हमारे टेंट को क्रूरता से प्रताड़ित कर रहे थे। प्रातः 2:30 समय में जागृत हुआ। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वर्षा थम गई है। मैं टेंट से बाहर आया, वर्षा थम गई थी। कुछ तारे भी दृष्ट हो रहे थे। इस अद्भुत परिवर्तन को दृष्ट कर लग रहा था कि क्या मैं स्वप्न अवस्था में हूँ। मैंने राजकुमार जी से कहा कि वर्षा थम गई है, यदि महादेव की कृपा रही तो हम 5-6 समय यात्रा कर सकते हैं। राजकुमार जी भी शांत ही थे, किंतु इन्होंने मुझे कहा कि यदि यात्रा करनी है तो त्वरित प्रयाण करना होगा। हाई एल्टीट्यूड्स में यह उचित भी है कि आप समिट के प्रति सनराइज के पूर्व ही गमन करें, किंतु मेरी चिंता थी कि हमें मार्ग का ज्ञान नहीं था, मूनलाइट भी न्यूनतम थी। किंतु राजकुमार जी के मुख से स्वयं महादेव ही आदेश दे रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था। मैंने त्वरित अपना रेन जैकेट एवं रेन पैंट क्रय किया। 3:30 बजे हम मार्ग क्रमित थे। अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे निकल गए हैं। मौसम थोड़ा रुका हुआ था। इट वॉज रेनिंग ऑल नाइट, ऑलमोस्ट एट 4,500 to 600 meters। आई डोंट नो हाउ टफ द क्लाइंब इज। नाउ वी आर एनकाउंटरिंग स्नो। होपफुली वी कैन नेविगेट दिस एंड गेट द दर्शन ऑफ शिखंड महादेव। पार्वती बाग से घोर अंधकार में 2-3 किलोमीटर प्रयाण कर उपरांत हमारा प्रातः 5:30 समय नैन सरोवर नामक स्थान पे आगमन हुआ, जो अनुमानतः 4,500 मीटर पे स्थित है। नैन सरोवर यह ग्लेशियर लेक है। इसका आकार चक्षु समान है। ऐसी मान्यता है कि पार्वती जी शिव जी की प्रतीक्षा में अत्यंत व्याकुल हो गई एवं वे रोने लगी। उनके एक अश्रु का पतन इस स्थान पर हुआ एवं वह इस सरोवर में परिवर्तित हो गया। इसी कारण श्रीकृष्ण महादेव का अंतिम आरोहण अवलंब पूर्व यात्रीगण इस सरोवर में स्नान करते हैं अथवा पूजा अर्पण करते हैं। और यहाँ से आखिरी चढ़ाई होगी शिखंड महादेव की। कैन सी ऑल ओवर कास्ट वेदर स्नो। दर्शन भी हो गए तो भी बड़ी बात है। ऊपर शिखंड महादेव के पास स्नोइंग लग रही है। होपफुली वी कैन रीच देयर। नयन सरोवर भेंट उपरांत 6 समय हम शिखंड प्रति गमन कर रहे थे। यहाँ से शिवलिंग तक का 5 किलोमीटर का मार्ग अत्यंत जटिल आरोहण का है। 1 किलोमीटर उपरांत मार्ग ही मच्छादित हो गया। निरंतर वर्षा के कारण अग्रिम क्षेत्र यह 2-3 फीट हिम से वेष्टित था। कुछ आरोहण उपरांत संपूर्ण क्षेत्र धुंध से आवृत हो गया। तीव्र वायु का विचलन था, ना मार्ग दृष्ट हो रहा था ना कोई स्थान। मुझे अब यह ज्ञात होने लगा कि मेरे शिखंड दर्शन की उत्सुकता में मैंने कोई भी उष्ण वस्त्र नहीं ग्रहण किए थे। केवल रेन जैकेट एवं रेन पैंट्स में ही प्रयाण किया था। ग्लव्स एवं गॉगल्स भी नहीं थे। 3 फीट हीम में मार्ग न ज्ञात होने के कारण
बहुत समय सपोर्ट के लिए हाथ हीम में धस रहे थे, जिस कारण वे सुन्न हो गए। हीम के शुभ्र तेज से आंखों में धुंध हो रही थी। दर्शकगण ये जान ले कि इन स्थितियों में गॉगल्स का होना अनिवार्य होता है, अन्यथा आपके आंखों की पुतली निष्काम हो सकती है एवं अंधत्व आ सकता है। मैं महादेव का चिंतन कर क्रमण कर रहा था। बहुत समय यह भी विचार आया कि यहाँ से लौट जाना ही उचित है, परंतु मन में यह भी आभास था कि यहाँ तक महादेव ही लाए हैं। यदि मृत्यु अटल है तो महादेव के क्षेत्र से उचित और कौन सा स्थान हो सकता है। कुछ समय उपरांत राजकुमार जी ने कहा कि वे आगे जा मार्ग का चयन करेंगे, यदि मार्ग दृष्ट हुआ तो हम यात्रा करेंगे, अन्यथा लौट जाना ही उचित होगा। मैंने कुछ समय उनकी प्रतीक्षा की, किंतु निम्न वस्त्र होने के कारण मैं एक स्थान नहीं थम पा रहा था। मैंने लाल सिंह जी के साथ राजकुमार जी के पदचिन्हों को क्रमण करने का निर्णय किया। 2 घंटे गमन कर उपरांत हमें राजकुमार जी दूर से दृष्ट हुए। वे दर्शन कर आए थे। उन्होंने कहा कि स्थान से महादेव का स्थान 30 मिनट के अंतर पे है। 30 मिनट के कठिन क्रमण उपरांत अंततः मुझे शिखर के दर्शन हुए। संपूर्णतः हिम आच्छादित परिसर में शक्ति ऊर्जा सज्ज 70 फीट शिव तत्व रूपी श्रीखंड महादेव। क्षण अविस्मरणीय था, अनुभव अशाब्दिक। यात्रा से मैं अब संपूर्णतः शांत हो गया था, किंतु इस क्षण में अब मृत्यु का भी स्वीकार था। श्रीखंड महादेव जी की कथाएं अनेक हैं, किंतु उनमें से भस्मासुर की कथा विख्यात है। एक असुर बहुताश वर्ष हिमालय में शिव जी की तपस्या में विलीन थे। शिवजी प्रसन्न हुए तो असुर ने उनसे अमरत्व के वरदान की याचना की। शिवजी ने कहा कि अमरत्व के वरदान व्यतिरिक्त वे उन्हें कोई भी और वरदान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि जिस क्षण एक जीव का इस पृथ्वी पर आगमन होता है उसी क्षण उसमें मृत्यु का वास हो जाता है। असुर ने शिवजी से पुनः याचना कर कहा कि वे उन्हें ऐसा वरदान दे कि वे जिस वस्तु या व्यक्ति पर अपना हाथ रखें वे भस्म हो जाए। शिवजी ने तथास्तु कहकर वरदान अर्पण किया। कदापि इस कारण उस असुर को भस्मासुर ऐसा संबोधन करते, किंतु वरदान प्राप्त होते ही भस्मासुर में अहम जागृत हुआ। उन्होंने शिवजी पे ही प्रथम इस वरदान की परीक्षा का निर्णय लिया। शिवजी ने भस्मासुर की वृत्ति को भाप लिया, वे वहां से लुप्त हो गए एवं एक गुफा में शरण ली। उन्होंने वहां विष्णु जी की आराधना की। विष्णु जी ने मोहिनी नामक अप्सरा का रूप धारण किया। भस्मासुर शिवजी की खोज कर रहे थे तब उनकी दृष्टि मोहिनी पर केंद्रित हुई। मोहिनी के अत्यंत आकर्षक रूप को दृष्ट कर वे मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने मोहिनी से विवाह का प्रस्ताव किया। मोहिनी ने हंसकर भस्मासुर से कथन किया कि वे तो एक नित्यांगना है एवं वे उन्हीं को अपना स्वामी ग्राह्य करेंगी जो उनके साथ नृत्य कर सके। भस्मासुर ने कथन किया कि मैं नृत्य नहीं जानते, किंतु वे मोहिनी को प्राप्त करने हेतु उसे आत्मसत करेंगे। मोहिनी ने उनसे कहा कि यदि वे उनकी कुछ नृत्य मुद्राएं त्वरित प्रतिबिंबित कर सके तो वे उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेंगे। मोहग्रस्त भस्मासुर ने यह आह्वान स्वीकार किया। मोहिनी जी ने अपने नृत्य मुद्रा प्रस्तुति के क्रम में एक समय अपने मस्तिष्क पर अपना हाथ स्थापित किया। मोहग्रस्त भस्मासुर ने उनकी मुद्रा को प्रतिबिंबित कर स्वयं के मस्तिष्क पर हाथ रख दिया एवं भस्म हो गए। भस्मासुर के अंत उपरांत सर्वदेवगणों ने शिवजी से प्रकट होने की याचना की। शिवजी ने विशाल शक्ति ऊर्जा से उस गुफा का भेद कर अखंड स्वयंभू शिव तत्व शिवलिंग स्वरूप श्रीखंड महादेव में स्थापित हो गए। पौराणिक कथाएं यद्यपि मनोरंजक प्रतीत होती है, किंतु इनमें छिपे गुह्य तंत्र हमें सृष्टि सिद्धांतों का बोध कराते हैं। प्रत्येक जैविक अजैविक रचना का अंतिम रूपांतर भस्म है। भस्म अंत है, भस्म आरंभ है। भस्म को हम और भस्म नहीं कर सकते। भस्म का प्रति एक कण भस्म है, एक अपरिवर्तनशील निरुद्धावस्था। भस्म सर्वश्रेष्ठ रचनाओं का एकमेव सत्य है। शिव जी स्वयं भस्म है, वे भस्मांगर आए हैं। भस्म को भस्म करना संभव नहीं। अमरत्व बंधन कारक है। भस्मासुर को स्वयं शिव तत्व रूपी वरदान प्राप्त होता है, किंतु वे अपनी दृष्टि अभ्यंतर नहीं कर पाते। वे त्वरित इस मायावी जगत को सत्मान अपनी इंद्रियों द्वारा उनके अनगिनत रचनाओं में मोहित हो जाते हैं एवं उनके उत्पत्ति एवं विनाश के अधिकारी अपने शिव रूपी गुरु का लय कर अहम से ग्रस्त हो जाते हैं। शिव जी लीला रूपी सृष्टि रचयिता विष्णु जी की आराधना करते हैं। विष्णु जी तो स्वयं मोह है जो हमें निरंतर मोहित कर इस संसार के अनंत लीलाओं में ग्रस्त करते हैं, जो निरंतर हम तो जीवों के इंद्रिय रचनाओं का भस्म कर पुनः इस लीला में प्रवेशित कराते हैं। इसी प्रकार बाह्य केंद्रित दृष्टि से जब भस्मासुर मायावी मोहिनी को ही दृष्ट करते हैं
तब वे अपनी ही लीला से भस्म हो जाते हैं। परंतु जब हम हमारे इंद्रिय कठिन तपस्या एवं चिंतन से अभ्यंतर केंद्रित करते हैं, तब हम स्वयं शिव तत्व में विलीन हो जाते हैं, श्रीखंड महादेव की ऊर्जा को आत्मसत करते हैं। श्रीखंड महादेव की यह कथा हमें सृष्टि के सूक्ष्म स्थूल सिद्धांतों से अवगत कराती है। प्रणाम दर्शकों, मैं अभी श्रीखंड महादेव कैलाश पे हूँ। ये सबसे टफ ट्रैक रहा, क्योंकि आप देख रहे हैं 2 से 3 फीट बर्फ है, इट्स ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर्स, और ये पूरा बोल्डर का रास्ता है, तो ऐसा नहीं कि आप स्लाइड करके नीचे जा सकते हैं। ऐसा लगा भी नहीं था कि यहाँ पे आ पाएंगे। बहुत बार बीच में ऐसा लगा कि ये ट्रैक पूरा नहीं होगा। कंटिन्यूस रेन था, टॉरेंशियल रेन्स, आप इसे चेरापूंजी जैसा रेन्स बोल सकते हैं। आज महादेव की कृपा थी कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि वेदर क्लियर था, लेकिन वेदर थम गया था, और ये महादेव की कृपा है और हमारे राजकुमार जी के गाइड की निष्ठा है कि हम यहाँ पे आज पहुँच सके। एंड अभी हमें वापस जाना है। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ क्लाइंब डाउन, एटलीस्ट टिल पार्वती पार। तो यहाँ से आपकी आज्ञा लेता हूँ, और मेरी इच्छा है कि इस ट्रैक में मैं 3 कैलाश करूँ। तो आई डोंट नो अगर मैं कर पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, लेकिन ये सबसे कठिन कैलाश था और ये हो गया, तो इससे मुझे प्रेरणा मिल रही है कि आगे के कैलाश भी हो जाएंगे। धन्यवाद। महादेव के दर्शन उपरांत मन प्रसन्न हो गया था। अधिक समय यहाँ चिंतन करने की इच्छा हो रही थी, किंतु अब हिम वर्षा का कोप हो रहा था। वायु भी तीव्र थी। 2 फीट और हिम वर्षा होती तो मृत्यु अटक थी। अधिक मोह न कर मैं अवरोहण करने लगा। अवरोहण का मार्ग अधिक जटिल था। मार्ग एवं ढलान में कुछ अंतर ही नहीं था। अग्रता 1 घंटा मेरे जीवन के सर्वाधिक मानसिक एवं शारीरिक कठिनाइयों में अंकित होना था। पैरों में एवं हाथों में फ्रॉस्ट बाइट प्रस्थापित हो गया था। सतत महादेव का चिंतन कर मैं स्नो लाइन पार कर गया। अनुमानता एक समय मेरा नैन सरोवर आगमन हुआ। माँ पार्वती को नमन कर मैं पार्वती बाग की ओर अग्रसर था। ज्ञात हो रहा था कि रात्रि में जो मार्ग महादेव की कृपा से किंचित सरल प्रतीत हो रहा था, वो कितना दीर्घ एवं कठिन था। 3 समय मैंने पूर्व रात्रि के पार्वती बाग में स्थित टेंट में प्रवेश किया। अब और चलने की क्षमता नहीं थी। मैंने अपने भीगे वस्त्र उतार दिए एवं स्लीपिंग बैग में स्थापित हो गया। अभी ये पार्वती बाग में है। इसी टेंट पे मैं कल शाम को अप्रॉक्सीमेटली 5-6 बजे आया था। रेनिंग आप देख ही रहे अभी, इट्स कॉन्स्टेंटली रेनिंग फ्रॉम द टाइम वी हैव कम, और कपड़े सब गीले हो गए, सो वी डोंट नो व्हाट टू वेयर। मैं तो ऑलमोस्ट बरसाती में उतर गया था, नथिंग इनसाइड, सब जीरो टेम्परेचर सब। महादेव की इच्छा थी कि दर्शन हो पाए, वरना मिडल में बहुत पैर से लगा था कि नहीं हो पाएंगे। इट्स अ ब्लिजर्ड। सेकेंडली क्योंकि टाइम नहीं था शाम को, तो क्लोज के सेग्रीगेशन में मैं अपने ग्लेयर्स नीचे भूल गया, एंड द स्नो वॉज सो ब्राइट कि आई गॉट अ हेडेक। आई नेवर सो सिक रेंस मेक मी सिक स्नो डज नॉट, आई डोंट लाइक द रेंस। मुंबई में भी रहता हूँ तो रेंस पसंद नहीं। अगर आप महादेव की यात्रा में जा रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ों कंसिडर करना है कि यू वॉन्ट टू गेट अ दर्शन ऑफ महादेव, देन एनीथिंग इज पॉसिबल। मिराकल देखिए, कंटिन्यूस बारिश हो रही है, बट अर्ली मॉर्निंग इवेंट एट 3:30 टिल आई गॉट द दर्शन द वेदर वॉज गुड। आई एम नॉट सेइंग इट वॉज नॉट ओवरकास्ट, वॉज गुड, सो दैट वी गॉट द दर्शन। रिटर्न में थोड़ा वेदर खराब हो गया, स्नो गिरने लगा, बट समहाउ आई मैनेज टू रीच हियर एंड आई एम जस्ट रेस्टिंग हियर। आई विल बी गोइंग डाउन आफ्टर सम टाइम इन द टेंट वेयर देयर आर कुकिंग फैसिलिटीज, क्योंकि यहाँ पर कुकिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। फर्स्ट जैसे भी हो गया कि 2 दिन मैंने कोई खाना भी नहीं खाया, मैं कोई भी और कैमरा यूज़ नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ द रेन्स। भोजन की सुविधा ना होने के कारण हमने कुछ समय उपरांत भीमद्वार प्रयाण का निर्णय लिया था, किंतु शरीर और यात्रा की अनुमति नहीं दे रहा था। मैंने राजकुमार जी से याचना की कि हम आज रात्रि यही निवास करते हैं, मुझे शुदा नहीं है। महादेव के दर्शन से प्रसन्न मैं शयन कर गया। अर्ली मॉर्निंग अराउंड 6:30, देखते कितना दूर तक जा पाते हैं। एज यू कैन सी रेंस है ही, इतना रेंस मैंने कभी नहीं देखा, एंड इट्स रियली इरिटेटिंग बिकॉज़ यू आर जस्ट फीलिंग कोल्ड। फर्स्ट टाइम आई गॉट सम फ्रॉस्टबाइट। अगले दिवस प्रातः हम चाव प्रतिगमित थे। अवरोहण कर हमने भीमद्वार में स्थित टेंट में विश्राम किया। यहाँ राजकुमार जी ने भोजन की व्यवस्था की, किंतु 3 दिवस निराहार होने के कारण मैं अन्न ग्रहण नहीं कर पाया। 10 समय हमने यहाँ से गमन किया। निरंतर मार्ग क्रमण कर अंततः 7 समय हमारा बराटी नाला आगमन हुआ। वर्षा अत्यधिक हो रही थी एवं स्टीम अवरोहण से अब पैर निष्क्रिय। हमने वहां स्थित एक कमरे में रात्रि शयन किया। भोजन की सुविधा नहीं हो सकी। लास्ट नाइट हम यहाँ पे रुके थे, ये आश्रम है खंड कैलाश देवा। रूम्स खुले हुए थे तो सो गए। बहुत बारिश थी, अभी भी बहुत बारिश है, थोड़ी रुकी हुई है। स्टिल 1.5 आवर्स टू गो।
प्रथम 8 समय हम जाओ गंतव्य थे। ये जो आप मेरे पीछे प्लांट देख रहे हैं ये नेटल है, इसे लसोड़ा कहते हैं। इसका अगर एक कांटा भी आपको लग जाए तो खुजली खाएगी, पेन होगा। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू ट्रैवल इन द हिमालयस दैट यू आर नॉट एक्सपोज्ड टू दिस। ये मुझे हिमाचल का एप्पल एक वेंडर लोकल ने यहाँ पे दिया है, अमेजिंग टेस्ट। इफ यू एवर कम टू दिस प्लेस ऑलवेज ट्राई द हिमाचल एप्पल, दे आर एब्सोल्युटली गॉर्जियस। मुझे सुबह से कुछ खाने नहीं मिला तो ये खा लिया। मेरा जाओ आगमन मध्याह्न 12 समय हुआ। यहाँ मैंने भोजन किया। शिखर महादेव की यह यात्रा हमने 4 दिवसों में पूर्ण की थी। भोजन करते समय यह ज्ञात हो रहा था कि महादेव के आशीर्वाद से ही मैं यह यात्रा निराहार अत्यंत जटिल वातावरण में संपन्न कर सका। यात्रा जो मैंने कभी योजित नहीं की थी, किंतु मैं यहाँ केवल महादेव की इच्छा से ही था। महादेव का पद कठिन है, विष से विष्टित, किंतु जो विष से घबराए वह महादेव को कैसे पाए। इस यात्रा पूर्ति के लिए मैं अपने मित्र एवं गाइड राजकुमार जी एवं उनके सहयोगी लाल सिंह जी के मनपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने कठिनतम परिस्थिति में दृढ़ विश्वास से ये यात्रा संपूर्ण की। दर्शकों को यह भी सूचित करना चाहता हूँ कि भस्मासुर कथा के समय जो महादेव की गुफा का वर्णन किया था, वो गुफा जाओ ग्राम के पूर्व 12 किलोमीटर निर्माण के देवडांग स्थल पर स्थित है। श्रीकर्ण महादेव की यात्रा इस गुफा के भेंट से संपन्न होती है। इच्छुक यात्री इस दिव्य स्थल को अवश्य भेंट दे। फाइनली मैं इन जाओ विलेज से श्रीकर्ण महादेव की यात्रा समाप्त कर रहा हूँ। बहुत ही कठिन यात्रा थी, वेदर के कारण डिस्टेंस बहुत है, ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स अप 40 किलोमीटर्स डाउन। सो आप यहाँ पे आइए, प्लान करके आइए, जून जुलाई में आइए और ये यात्रा अवश्य कीजिए। सबसे टफेस्ट यात्रा है कैलाश की, बट इट इज़ वेरी रिवॉर्डिंग। आशा करता हूँ मेरी इस प्रस्तुति से आपको भी श्रीकर्ण कैलाश यात्रा अवलंबन की इच्छा जागृत हुई होगी। इस यात्रा विषय सर्व तांत्रिक की सूचनाएं, लॉजिंग, गाइड्स, पोर्टर एवं राजकुमार जी का कॉन्टैक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा रहा हूँ। धन्यवाद।